ज्यादा ऊपर नहीं आ रही, क्योंकि येलो अगर मैं व्हाइट में खींचूंगी तो पूरा व्हाइट मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि लाइटर कलर है व्हाइट। सो मैं व्हाइट में बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं जाऊंगी, और अगर मुझे व्हाइट में मिक्सिंग भी करना है तो मैं लाइटर, अभी जैसे ये साइड मेरा पूरा येलो हो गया, ये साइड व्हाइट है, मैं व्हाइट से ही उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग करूँगी ऐसे। और मैं क्लीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये टेक्स्चर जो आ रहा है कलर का, वो टेक्स्चर मुझे चाहिए। तो अभी ये तो कंप्लीट हो गया मेरा येलो कलर। और जब हम लोग कलर करते हैं ना, वो तो साइड्स भी तभी कवर करने हैं, अदरवाइज फिर वो ना इनकम्प्लीट वर्क दिखता है। सो आप जब भी करो सब ऐसे, मुझे अभी थोड़ा सा येलो ज़्यादा चाहिए, और रेड बहुत डार्क डार्कर पोर्शन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, तो मैं थोड़ा सा और येलो यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। अब मुझे सिर्फ डार्कर पोर्शन मिक्स करना है, मैं यहाँ पर डार्कर पोर्शन साइड बाय साइड, जैसे साइड्स हो गया वो वैसे तभी अब हमें एडजस्ट करने हैं। वर्क नहीं दिखाना है, जैसे अभी ये मेरा ऐसे लग रहा है वन टोन में है, मैंने येलो अलग किया है वाइट अलग किया है, ये ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना, येलो के साथ रेड को ऐसे मिक्स करना है कि आपका सेम कलर वो वैसे दिखना चाहिए। साइड्स भी कवर करती है, अभी आपको रुकना है तो थोड़ी देर रुक सकते हैं आप, 5-10 मिनट्स इसको ड्राई टाइम देने के लिए, और ये कलर्स बहुत जल्दी वाटर बेस है तो जल्दी सूखते हैं, तो एक 5-10 मिनट्स में ये कलर सूख जाते हैं, फिर इसके ऊपर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक अभी मैं इसके ऊपर आपको दिखा देती हूँ, तब तक आप लोग स्टार्ट करो। इसके ऊपर फ्लावर्स एंड लीफ का पैटर्न हम लोग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लाइटर कलर में जब भी हम लोग कलर करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको ब्रश वॉश करके फिर आपको लाइटर कलर में जाना है। ऐसे भी यहाँ पर अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा येलो मुझे ऊपर भी ले रहे हैं, थोड़ा सा बट वॉश करने के बाद मैंने व्हाइट पेंट किया, अदरवाइज फिर वो व्हाइट डिस्टर्ब हो जाएगा। जस्ट ये टेक्सचर वर्क चाहिए मुझे, इसीलिए मैंने ऐसे किया। कलर्स से करना है, आप पहले टेक्सचर स्टार्ट करो कि मैं पूरा दिखाऊँ, फिर आप लोग करो इसे करो, आप स्टार्ट करो कि मैं दिखाऊँ पूरा कंप्लीट दिखा। आपको सीनरी देखना है, तो सीनरी के लिए मैं भी ग्रीन कलर, मुझे नीचे बेस में ना ग्रीन कलर चाहिए, और फ्लावर्स मुझे अभी मेरा रेड येलो ब्लू है, तो मैं ब्लू के फ्लावर्स ले सकती, ब्लू एंड वाइट का फ्लावर्स ले सकते हैं, ऑरेंज के फ्लावर्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपको फ्लावर्स के कौन से कलर्स वगैरह चाहिए वो आपको देखने हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अभी ग्रीन कलर्स मैं इसके लिए जो मुझे नीचे लीफ का इफेक्ट चाहिए उसके लिए, अभी वन आपको यहाँ से पूरा इफेक्ट एक दिखा सकते हो,
सिर्फ अगर आपको पॉट में वगैरह अगर फ्लावर्स दिखाने तो थोड़ा ड्राई टाइम देना है, यहाँ पे पॉट हम लोग ड्रॉ करके उसमें टेक्सचर वर्क कर सकते हैं, और ऊपर अगेन हम लोग यहाँ पर सेम फ्लावर्स एंड लीफ वहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको जस्ट ट्री का इफेक्ट देना है तो वन ट्री हम लोग यहाँ से ड्रॉ करके उसके फॉलिंग हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को जस्ट एक इसमें मैं ट्री का इफेक्ट दिखा देती हूँ कि एक ट्री मैं ड्रॉ कर रही हूँ और उसके लीव्स कैसे रहेंगे ऊपर से वो दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैं ब्राउन कलर ऐड कर रही हूँ। अब मैं डायरेक्टली ले रही हूँ क्योंकि मेरा कलर ड्राई नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो तो थोड़ा ड्राई टाइम दो, रुको थोड़ा सा और फिर डायरेक्टली करो। अभी ये है तो यहाँ से मैं अभी डायरेक्टली आप अगर कंफर्टेबल हो कि बड़े ब्रश से आप कंफर्टेबली कर पाओगे तो बड़ा ब्रश यूज़ करो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर पाओगे तो छोटा ब्रश यूज़ करो। बट इसमें टेक्सचर वर्क आएगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे इसको थोड़ा सा और डार्कर इफेक्ट करना है, थोड़ा सा ब्लू का शेड ली हूँ, डार्क ब्लू का, पर्शियन ब्लू का। मैं इसी में ये जो ट्री का इफेक्ट है इसी में मैं ब्लू ऐड कर दूँ। ठीक है, ब्लू एंड ब्राउन ऐड हो जाएगा तो थोड़ा सा मेरा ग्रीनरी का जैसे इफेक्ट दिखेगा, मुझे ग्रीन इफेक्ट आ जाता है थोड़ा सा हल्का। ठीक है, इससे लाइट सन का इफेक्ट आता है तो उसके लिए मैंने येलो ऐड किया उसमें। ठीक है, ये मेरा जो ट्री का इफेक्ट है वो कंप्लीट हो गया, मेरे ब्रश में जो कलर है इस कलर में आ गया। मुझे यहाँ पे ट्रीज के लीफ का इफेक्ट आया। आप ये पूरा अगर यहाँ पे पूरा भरना चाहते हो तो पूरा उसको कवर कर सकते हो, अगर मुझे कवर नहीं करना है और सिंपल वे में मुझे यहाँ पे लीव्स डालना है, ज़रूरी नहीं है ब्रश यूज़ करना है, आप डायरेक्टली फिंगर से भी उसको कर सकते हो। जैसे भी ग्रीन ये लाइट है थोड़ा सा ये डार्क कलर, तो लीव्स लाइटर डार्कर शेड्स में होते हैं। मैं थोड़ा सा अभी मैं आपको फिंगर से ही डायरेक्टली दिखा देती हूँ तो इजी टेक्निक में आप वहाँ पे कर सकते हो। जस्ट मुझे अभी
शेड्स के लीफ होते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ थोड़ा सा येलो ऐड करती। इसमें हमें अगर ये भी ऐड करना है, फ्लावर्स वगैरह ऐड करना है, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। सिंपल एंड इजी इसमें। अभी मैं थोड़ा सा एक पतला सा ब्रश यूज करके मैं इसे स्टेन की थोड़े से ऐड कर देती हूँ, छोटे वाले। तभी उसमें उसका लुक कर दिया। आपको यहाँ पे पूरा कवर करना है तो पूरा भी कवर कर सकते हो। यहाँ से नीचे अगर मुझे अभी पूरा ये ब्लैंक दिख रहा है, मुझे वहां पर भी थोड़े से लीफ ऐड करने हैं, तो मैं वहां पर भी थोड़े से लीफ ऐड करती हूँ। जैसे मैं कलर लिया और ये जो है यहाँ से आपको नीचे से बस मुझे यहाँ पे ट्री के साइड्स में ही ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ पर बस आपको ट्रीज में ही डालना है ये भी, अगर आपको ऊपर तक खींचना है तो ये कलर से आप ऊपर तक ले सकते हो, एंड देन फिंगर से फ्लावर्स का लुक दे सकते हो और फिर उसके सेंस नीचे ले सकते हो, तो वो एक अलग लुक आ जाता है। एक पॉट ड्रॉ करोगे उसको टेक्सचर वर्क में करके, देन उसके ऊपर अगर फ्लावर्स एंड लीव्स करोगे तो वो एक अलग लुक आ जाता है। पूरा आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे करोगे। अभी साथ कलर्स का मतलब जो टेक्सचर जो आता है ना, कलर्स की जो टेक्सचर्स आते हैं उसी को इम्पास्टो टेक्सचर वर्क में जो वर्क करेंगे ना हम लोग, जितना बहुत ज़्यादा कलर्स आप यूज़ करके उसमें टेक्सचर्स क्रिएट कर रहे हैं,
कलर का कुछ स्पेसिफिक ये है क्या रिक्वायरमेंट है? वाटर कलर से नॉर्मल? नहीं, ये एक्चुअली कैनवस के लिए स्पेशली बनाए गए कैनवस एक्रिलिक कलर्स है. सो वाटर बेस्ड कलर्स. फास्ट ड्राइंग है आपका, पेंटिंग्स बहुत जल्दी और अच्छे टेक्सचर में ये कलर्स बनते हैं. जैसे अगर आप देखोगे तो ये मेरा ये कलर ड्राई हो गया, तो फास्ट ड्राइंग है फास्ट. हाँ, तो आपका पेंटिंग भी जल्दी बन जाता है. ऑयल कलर्स में वगैरह बहुत टाइम लगता है पेंटिंग सूखने में, तो ये कलर्स जल्दी ड्राई हो जाते हैं और आप इजीली वो मिक्स कर सकते हो किसी भी कलर में. अलग अलग शेड्स हम लोग उसमें क्रिएट कर सकते हैं. हैंडल करने में इजी है, वाटर बेस्ड है तो इजीली आप हैंडल कर सकते हो. कोई भी कलर यूज़ कर सकता है ये, और इसमें बहुत सारे शेड्स आपके पास सामने हैं, तो अलग अलग शेड्स यूज़ करके हम उसमें और अलग अलग टेक्निक्स कर सकते हैं.